Hello students, so the topic of our today's quiz is the ice cream man, the very first chapter of class 5th English, ice cream man. आप सभी ने पढ़ लिया होगा चैप्टर के बारे में, किस तरह से वो आता है, आपका कौन सी साउंड करते हुए, देन कौन कौन से फ्लेवर्स उसके पास रहते हैं, बच्चे उसकी तरफ बिल्कुल बीज की तरह अट्रैक्ट होते हैं, जैसे हनी बीज अपने बीहाइव पर अट्रैक्ट होती है इस तरीके से. सो काफ़ी रिलेटेबल भी है आप लोगों से, क्योंकि आइसक्रीम तो सभी की फेवरेट होती है. सो लेट्स बिगिन नाउ. चलिए स्टार्ट करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं आपका कि आपको जो आपने पढ़ा है चैप्टर वो कितना लर्न है अभी तक. एंड अगेन इफ़ यू हैवन्ट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर टैप कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज आपकी आने वाली है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जिससे. ओके लेट्स स्टार्ट नाउ. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर. आइसक्रीम किस सीजन में पॉपुलर होती है, बहुत आसान क्वेश्चन है. कौन से सीजन में आप आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम जैसे आपको पता है ठंडी होती है, तो किस सीजन में ठंडी चीज़ें आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पसंद की जाती है. आपके ऑप्शन हैं ए विंटर्स सर्दियों में, बी रेनी, या फिर सी समर सर्दी में बरसात में या फिर गर्मी में. विंटर्स रेनी समर इन विच सीजन डज द आइसक्रीम बिकेम पॉपुलर. ओके सो दिस इज द सीजन इन विच आइसक्रीम इज पॉपुलर. अब किस सीजन की बात हो रही है, द चाइल्ड देखिए इज स्वेटिंग, पसीना आ रहा है सभी को, एंड दे आर ऑल आर ईटिंग आइसक्रीम. सन पूरे पीक पर है इस टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम मेंशन इन द पोएम. कौन सा फ्लेवर ऐसा है, आपको यहाँ पर तीन फ्लेवर बताए हुए हैं. जैसे आप जानते हैं आपकी पोएम में बहुत सारे फ्लेवर्स दिए हैं आपको आइसक्रीम के, लेकिन इनमें से एक फ्लेवर ऐसा है जो आपकी पोएम में मेंशन नहीं है. आइसक्रीम का फ्लेवर वो होता है बट पोएम में नहीं दिया है, बताइए वो कौन सा फ्लेवर है. आपके ऑप्शन हैं ए वनीला, बी स्ट्रॉबेरी, सी बटर स्कॉच. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेवर इज नॉट मेंशन इन द पोएम, वनीला, स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच. ओके सो दिस वॉज द फ्लेवर, ये वो फ्लेवर है, आप सभी ने खाई होगी ये वाली आइसक्रीम जो कि आपकी जो पोएम है उसमें मेंशन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम. पोएम में आइसक्रीम कार्ट को किसी चीज़ से कंपेयर किया हुआ है कि बच्चे उसकी तरफ ऐसे भागते हैं जैसे एक आपको इंसेक्ट का नाम बताया वो अपने घर की तरफ भागता है, तो बताइए आइसक्रीम कार्ट को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है. स्विमिंग पूल से, हनीकॉम से, या फिर फ्लावर बेड से. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट, स्विमिंग पूल, हनीकॉम या फिर फ्लावर बेड. ओके आंसर कर दिया होगा आपने, लेट्स मूव अहेड नाउ. तो ये वो जगह है जिससे कि आपके आइसक्रीम कार्ट को कंपेयर किया गया, जैसे इसकी तरफ आपकी बीज और बटरफ्लाइज ये सब भागते हैं अगर उनको कहीं ऐसा दिख जाए गार्डन, उसी तरीके से बच्चे जब आइसक्रीम मैन को देखते हैं तो उसके कार्ट की तरफ भागते हैं. अब ये क्या है, दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन इज सेलिंग. आइसक्रीम मैन कौन सी दो चीज़ें बेच रहा था. आपके ऑप्शन हैं आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम एंड फ्रूट्स, या फिर आइसक्रीम एंड कैंडीज. What two things the ice cream man was selling? Ice cream, chilled drinks, cream, ice cream and fruit, ice cream and candy. Okay. So these two things the ice cream man was selling. दोनों को ही आप जानते होंगे. What is this and what is this? Both are famous in summer season. Next question. Next is what are the colors of that of the cream that ice cream man is filling the cones with. Ice cream man के पास जो cones थे, ice cream के cones जो होते हैं उनको वो fill करता है अलग अलग टाइप के जो आपके colorful जो creams होती हैं. तो बताइए आपकी जो poem है उसमें जो type of cream दी हुई है वो किस color की है. आपके options हैं A brown and white, cream brown और white है, या फिर pink and white और red and brown. The type of cream that is mentioned in your poem.
आपकी पोएम में जो क्रीम मेंशन की हुई है उसका कलर आपको बताना है, ब्राउन एंड व्हाइट, पिंक एंड व्हाइट या फिर रेड एंड ब्राउन। ओके सो ये दो कलर थे वो जो आपकी उसमें मेंशन किए हुए हैं कि इन दो कलर की जो आइसक्रीम के कोन, आइसक्रीम क्रीम्स जो है उनसे वो कोन्स को फिल कर रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्रॉस्टी फिज बॉटल दैट इज नॉट मेंशन इन द पोएम। आपकी पोएम में फ्रॉस्टी फिज की बॉटल्स के कुछ कलर दिए हुए हैं, बॉटल्स आपने देखी होगी फ्रॉस्टी फिज की कैसी होती है सर्दी में जो आप पीते हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा एक कलर है जो एक्चुअली आपकी पोएम में मेंशन नहीं है, नॉट मेंशनड। ग्रीन, ग्रीन फ्रॉस्टी फिज नहीं थी उस आइसक्रीम मैन के पास, या फिर पिंक और रेड। ग्रीन, पिंक और रेड, व्हाट कलर ऑफ फ्रॉस्टी फिज इज नॉट मेंशनड इन योर पोएम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन आर क्लस्टरिंग अराउंड द आइसक्रीम मैन एज, बच्चे आइसक्रीम मैन की जो कार्ट है उसके क्लस्टर हो गए हैं, उसके वहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, किन की तरह, फ्लाइज की तरह, मक्खियों की तरह, रैबिट्स की तरह या फिर हनी बीज की तरह, मधुमक्खियों की तरह। फ्लाइज मक्खियों की तरह, खरगोशों की तरह या फिर मधुमक्खियों की तरह, बच्चों को किन से कंपेयर किया गया है, जैसे कि उसका जो कार्ट है आइसक्रीम मैन का उसको उन्होंने फ्लावर बेड कहा है कि फ्लावर बेड जैसा होता है उसकी तरफ जो आपकी वेरियस इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं ऐसे ही बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो बच्चों को किससे कंपेयर किया गया है वहां पर, फ्लाइज से, रैबिट से या फिर हनी बीज से। ओके नेक्स्ट देखो इस इन चीज से कंपेयर किया गया आपकी पोएम में बच्चों को, इन इंसेक्ट्स के बारे में आप जानते ही होंगे, ये बी हाइव में रहते हैं आपके, हनी कलेक्ट करते हैं, नेक्टर्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वे फ्लावर्स और उसका हनी में कन्वर्ट करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्लास में आपका एक चैप्टर है ईवीएस में जिसमें आपको हनी बीज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसक्रीम हैज डैश अम्ब्रेला ऑन द लिटिल कार्ट, आइसक्रीम मैन के पास एक अम्ब्रेला है, वैसे भी आपने देखा होगा जो लोग वाटर सेल करते हैं गर्मियों में उनके पास एक अम्ब्रेला होता है जो कि उनको धूप से बचाता है, तो वो अम्ब्रेला कैसा है पोयम में जो मेंशन किया हुआ है, कैसा है वो, राउंड है, ब्लैक एंड वाइट है या फिर लार्ज अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला तीनों ही टाइप के हो सकते हैं, राउंड भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी, लार्ज भी, बट जो आपकी पोयम में एडजेक्टिव यूज़ किया है अम्ब्रेला के लिए वो आपको बताना है, राउंड, ब्लैक एंड वाइट या फिर लार्ज अम्ब्रेला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट कंपेयर्स द कार्ट ऑफ आइसक्रीम मैन एज फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड, किन दो फ्लावर्स के फ्लावर बेड से, फूलों की क्यारी से इसको कंपेयर किया गया आइसक्रीम मैन के कार्ट को। ये तो हमें पता है आइसक्रीम मैन का कार्ट उसने फ्लावर बेड से कंपेयर किया है, बट फ्लावर बेड ऑफ विच टू फ्लावर्स, एक तो रोजेस और दूसरा सेकेंड किसका था, लिलीज, वनीला या फिर स्वीट पीस। फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड लिलीज, फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड वनीला, वनीला ओके, फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पी। एक्चुअली इसमें से जो आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं एक तो फ्लावर ही नहीं है तो उसको तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी जो दो ऑप्शंस हैं उनमें आप देख लीजिए कि किससे कहा है उसने, कि ऐसा लगता है कि वो जो कार्ट है वो इस फ्लावर का फ्लावर बेड है। ओके आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइसक्रीम मैन इज मूविंग इन द सिटी इन द डैश ऑफ हीट, जो आइसक्रीम मैन है वो सिटीज में आता है टू सेल आइसक्रीम, इन द हीट ऑफ व्हाट, इन द हीट ऑफ लेज, इन द हीट ऑफ ब्लेज, इन द हीट ऑफ फायर। ये भी एक लाइन से लिया गया है आपकी जो पोएम है वहाँ से, इन द हीट ऑफ दैट द आइसक्रीम मैन इज मूविंग टू द सिटी, तो क्या वर्ड यूज किया उन्होंने, इन द हीट ऑफ लेज, इन द हीट ऑफ ब्लेज, इन द हीट ऑफ फायर। ओके नेक्स्ट इज महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ही इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी जो थे वो बहुत ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, महान फ्रीडम फाइटर थे, उन्हें हम फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं।
ये जो सेंटेंस है आपका, इसमें आपको तीन चीजें चूज करनी है। आपको बताना है नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है एंड एडजेक्टिव क्या है। नाउन और एडजेक्टिव की हम वीडियोस भी कर चुके हैं आपके ग्रामर पार्ट में, अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो उसको देख लीजिए, आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। प्रोनाउन हम जल्दी ही करने वाले हैं। सो नाउन आपके होते हैं नेमिंग वर्ड्स, देख लीजिए इसमें नेमिंग वर्ड क्या है। प्रोनाउन आपके होते हैं वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं नाउन की जगह बाद में, और एडजेक्टिव आपके होते हैं जो किसी को डिस्क्राइब करते हैं कि गांधी जी कैसे फ्रीडम फाइटर थे, उसके लिए कोई वर्ड अगर इसमें यूज़ हुआ है तो दैट यू कैन राइट एज एन एडजेक्टिव। तो बताइए कि इस सेंटेंस में आप आंसर लिखेंगे, आंसर 11 ए, नाउन जो है वो ए में उसका आंसर लिखेंगे, बी प्रोनाउन लिखेंगे एंड सी एडजेक्टिव। ग्रामर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हर चैप्टर के जब भी हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, क्विज करते हैं, उसमें ग्रामर के कुछ क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जैसा मैंने बता चुकी हूँ, आपको पेपर भी दिखाया जा चुका है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है वो ग्रामर की ही होती है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय क्लस्टर, आपका क्लस्टर से क्या मतलब है। आपके ऑप्शंस हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक जैसी चीज़ों का ग्रुप, या फिर चिल्ड्रिंग, या फिर क्लोज पास में। क्लस्टर बच्चों के लिए यूज़ किया गया, दे गॉट क्लस्टर्ड अराउंड द आइसक्रीम मैन्स कार्ट। तो क्लस्टर का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग, चिल्ड्रिंग या फिर ग्रुप क्लोज, या आपकी एनसीईआरटी में लास्ट में जो वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं वहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जाके पोएम को दोबारा रीड करिए और उन वर्ड मीनिंग को ज़रूर देख लीजिए। एनसीईआरटी के लास्ट में जो वर्ड मीनिंग दे रहते हैं दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्लस्टर का मतलब बताइए क्या होता है। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज व्हाट अ क्लस्टर सेड, जैसे कि बंच ऑफ कीज आप बोलते हैं। ओके नेक्स्ट इज राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड बताने हैं आपको तीनों के। फर्स्ट इज हीट, एक एक मैं बता देती हूँ बाकी आप बताएंगे। हीट का हो सकता है बीट या फिर सीट, सीट लिख देते हैं, चलिए सीट, हीट सीट। राइट का हो सकता है ब्राइट, बेड का हो सकता है फेड, फीड जो होता है आपका खाना, फीड कराना किसी को, फीड फेड फेड एफ ई डी फेड। सो हीट सीट राइट ब्राइट बेड फेड, ये तीन मैंने बता दिए। अब इनके अलावा कोई और तीन राइमिंग वर्ड्स आप बताएंगे इन तीनों के कमेंट सेक्शन में। आंसर 13 राइमिंग वर्ड हीट देन डैश करके उसका ब्राइट एंड देन बेड। ओके नेक्स्ट इज हनी बीज हैव डैश आईज, वेरी इजी क्वेश्चन। हनी बीज की कितनी आंखें होती हैं, आपके ऑप्शन हैं ए 5, बी 2, सी 4। हनी बीज के बारे में एज आई हैव ऑल टोल्ड यू इन क्लास 4th, आपने आपका एक चैप्टर था अनीता एंड हनी बीज, आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हनी बीज के बारे में पढ़ी है, उनके जो बीहाइव होता है उसमें एक टाइप ऑफ हनी बीज कौन कितने टाइप की होती है, किस तरीके से वो वर्क करती हैं एंड ऑल। तो बताइए कि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन से कंपेरिजन में, हनी बीज आपने देखी भी होंगी, तो हाउ मैनी आईज डज हनी बीज हैव, 2, 5, 2 और 4। ओके यू ऑल मस्ट हैव आंसर टिल नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर डैश क्वीन बी पर हाइव, आपका हाइव बोलते हैं हम छत्ते को, उस छत्ते में बताइए कितनी क्वीन बीज होती है। आपको पता होगा जो हनी बीज होती है उनके उनका जो हाइव होता है उसमें तीन टाइप की बीज होती है, एक आपकी होती है मेल बी, एक हमारी होती है वर्कर बी, और थर्ड टाइप की होती है क्वीन बी। क्वीन बीज जो होती है वो एग्स ले करती हैं, अंडे देती हैं। वर्कर भी मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो काम करती हैं, ये प्रोटेक्शन भी करती है अंडों की और लुक आफ्टर भी करती है जो बेबीज होते हैं उनको, हाइव को भी प्रोटेक्ट करती है, उसके बाद ये नेक्टर भी यही कलेक्ट करती है। तो वर्कर भी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे हाइव में, मेल बी का एज सच कोई इंपॉर्टेंट काम है नहीं। तो बताइए पहले आपको ये क्वेश्चन ये है कि आपका जो हाइव होता है उसमें एक हाइव में कितनी क्वीन बीज होती है, कितनी रानी मक्खी होती है। आपके ऑप्शन हैं 2, ओनली 1 या फिर 3, 2, 1, सिर्फ 1 या फिर 3। हाउ मेनी क्वीन बीज आर देयर इन अ हाइव, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। ओके आंसर कर दिया होगा आपने। सो दैट्स ऑल, ये हमारी आज की क्विज थी, होपफुली ऑल मस्ट हैव एंजॉयड, और चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा आपका क्योंकि एस ए वन में आने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। एफ ए वन का पेपर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, उसमें भी इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं।